तो ये है पूरी केटरिंग बोगी इस ट्रेन की। देखिए आप, माता वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति जबलपुर सेवाधारी, इनकी टीम अलग है। पूरी की पूरी बोगी आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तैयारी हो रही है। दूध रखे हुए हैं, खाने पीने से लेकर चाय से लेकर हर एक चीज़ की तैयारी पूरी इस किचन में बोगी में होती है। किसी भी तरह की किसी भी भक्तों को कोई भी कमी ना हो। आज हम आए हुए माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन है, उसके बारे में आपको पूरा बताने हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में आपको पूरा माता वैष्णो देवी के बारे में पूरा बताऊंगा आपको, इस ट्रेन के बारे में। जबलपुर से ये ट्रेन जाती है, लगभग पूरी तरह पैक हो चुकी है और उसके जाने का समय हो चुका है। जबलपुर से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जबलपुर से बिल्कुल स्पेशल, साल में एक बार स्पेशल जाती है ये ट्रेन। देखिए आप, अलग अलग डब्बों पर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं शारदा देवी मैया जी की, ये ट्रेन स्पेशल। ये डब्बा नंबर एक है, बोगी नंबर एक। इसके पहले एक जो डब्बा था वो स्पेशल डब्बा है। ये इस डब्बे का नाम जो है वो चामुंडा देवी रखा हुआ है। काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसमें। ये डब्बा नंबर दो है। ऐसे ही करते करते लगभग 21 डब्बे हैं, 21 डब्बे और 21 बोगियों की ये ट्रेन है। नंबर दो पर इसमें लिखा हुआ है कांगड़ा देवी। बहुत ही उत्साह है यहाँ पर भक्तों में। काफ़ी उत्साह है यहाँ पर भक्तों में। ये बोगी नंबर चार, माँ नैना देवी। देखिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है इस समय जबलपुर रेलवे स्टेशन में। बहुत ही उत्साह है यहाँ पर भक्तों के बीच में। हर साल अगस्त के महीने में ये ट्रेन जो है चलाई जाती है, जबलपुर से वैष्णो देवी की ये ट्रेन। बोगी नंबर पाँच, माँ मनसा देवी। आप भी इस ट्रेन में जा रहे हैं। ये बोगी नंबर छः, चिंतापूर्णी माता। देखिए कितना उत्साह हो चुका है यहाँ पर। काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है इस ट्रेन में जो है, मतलब आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने सामान, अपने कपड़ों के अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं लेके जाना है। सब फैसिलिटीज़ इसमें है। लगभग एक हफ्ते के लिए ये टूर पे ये ट्रेन जाती है। और सबसे स्पेशल बड़ी खीरमई सात नंबर बोगी, बोगी नंबर आठ। जबलपुर से हर महीने अगस्त के महीने में लगभग एक समाज विशेष के लोग इसको ऑपरेट करते हैं और ये माता वैष्णो देवी के दर्शन कराती है। एक हफ्ते के लिए ट्रेन जाती है। और ये बोगी नंबर टेन भुवनेश्वरी। आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है अपने कपड़ों के अलावा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। देखिए कितनी ही भीड़ हो रखी है यहाँ पर। और ये इसमें एसी बॉक्स भी है। लगभग 4000 रुपये पर पर्सन एक हफ्ते के ये टूर रहता है। ये इसमें आपको जो है ये माँ अन्नपूर्णा, मतलब ये जो है पूरी की पूरी केटरिंग वाली बोगी है। आप देखो अंदर ही पूरे खाने पीने की व्यवस्था होती है, सुबह की चाय से लेके रात के पूरे खाने तक। इवन खाने के बाद भी बहुत सारे फल फ्रूट और दिन भर चाय कॉफ़ी की व्यवस्था, सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी तरह का ये सिस्टम जो है। और ये बोगी नंबर 13 ब्रह्मचारिणी। बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर रेलवे स्टेशन में इस समय जबलपुर में। ये बोगी नंबर 14 चंद्रघटा मायाता। ये बोगी नंबर 15 माँ कश्मांडा। काफ़ी उत्साह है यहाँ पर भक्तों में।
बोगी नंबर 16 स्कंद माता, बोगी नंबर 17 माँ कात्यायनी। सुबह के नाश्ते से लेके सुबह उठते हैं आपको चाय के रूप में मिलता है, सबसे पहले आपको चाय मिलती है, उठते ही साथ ट्रेन में आपको सबसे पहले चाय मिलेगी, उसके बाद फ्रूट्स और नट्स वगैरह भी मिलते हैं। ये बोगी नंबर 18 महामाया, लगभग 4000 रुपये पर पर्सन का इस टूर में पूरा पैकेज है, पूरा खाने पीने से लेके आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने से लेके वहाँ तक रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। बोगी नंबर 19 महागौरी, और ये बोगी नंबर 20 सिद्धिदात्री माता। तो देखा आपने, इस तरह से ये ट्रेन पूरी एंड हो गई है। अब ये ट्रेन लगभग, आज 20 तारीख है, लगभग 10 बज रहे हैं, ये ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगी। लगभग 7 दिनों का पूरा ये टूर है, 7 दिनों का पूरा ये पैकेज है। एक तरह से आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको ट्रेन यहाँ से लेके जाएगी और वापस स्टेशन तक पहुँचाएगी। मात्र 4000 रुपये का ये टूर है, मात्र 4000 रुपये में ये ट्रेन आपको जबलपुर से वैष्णो देवी और वैष्णो देवी में आपको रेलवे स्टेशन से लेके होटल में रुकवाने तक और होटल में रुकवाने से लेके आपको माता रानी के दर्शन करवाने तक और फिर वापस आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने तक का ये पूरा सफ़र है, पूरा पैकेज उसी में आता है। ये पूरा ट्रेन के सफ़र में सब सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको सुबह 6 बजे से लगभग 8 बजे तक दूध और चाय की पूरी व्यवस्था होती है, इसके साथ में टोस्ट, बिस्किट्स, फ्रूट्स, नट्स, लगभग सभी चीज़ों की पूरी व्यवस्थाएँ की जाती है। उसके बाद लगभग 9 बजे आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद आपको 11-12 बजे लगभग एक बार फिर से फ्रूट सर्व किए जाते हैं। इसके बाद 2 बजे आपको लंच दिया जाता है। लंच के बाद आपको लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच में स्नैक्स और चाय एक बार फिर से सर्व की जाती है। आपको कैसा लग रहा है, आप जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन? इसके बाद लगभग आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रात में डिनर दिया जाता है और डिनर के बाद केसर दूध भी आपको दिया जाता है। कुल मिलाकर दिन भर खाने पीने में कोई भी कमी नहीं की जाती है। कुल मिलाकर छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हो, सबका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दी जाती है। काफ़ी इंजॉय करती हुई जाती है, पूरे ढोल धमाकों के साथ ये ट्रेन जाती है। पुलिस की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, रेलवे पुलिस यहाँ पर पूरे सही तरीके से ऑपरेट कर रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है उस समय रेलवे स्टेशन पर, देखिए कितना ही हो चुका है भक्तों के बीच में। तो इस ट्रेन की सुविधाओं को देखते हुए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग अप्लाई करते हैं जाने के लिए, लेकिन हर किसी को टिकट नहीं मिल पाती है क्योंकि मात्र 1600 या 1700 लोग ही इस ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आखिरी में चिट सिस्टम और थोड़े बहुत सोर्सेस के द्वारा आपको टिकट मिल जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए प्यार से बोलिए जय माता दी, जय हिंद,